नजरी मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड एंड दिस इज अ डे टू। एंड अभी आज का जो व्लॉग है ना, काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है अभी, तो शाम के 5 बजे, क्योंकि सुबह से ना बारिश चल रही थी, इसके लिए कुछ व्लॉग भी नहीं कर पाया। एक्चुअली में हम लोग रूम में ही थे, सो अभी जाके बारिश रुक गई, तो हम लोग जा रहे हैं अभी बीच पे। सो भाई को जाना है जिम में और मेरे को जाना है बीच पे, भाई को करेंगे ड्रॉप। ये भाई ये दिल्ली से, क्योंकि हम लोग ना एक ही हॉस्टल में रुके हुए, तो हम लोगों को यहाँ पे दोस्ती हुआ। सो अभी चलते हैं, निकलते भी ऐसे, आप लोग एंजॉय करो अपना व्लॉग। अभी मैंने ना वो भैया को ड्रॉप किया जिम में, उन्होंने एक जिम वाले से बात किया था, वो जिम फ्री के थोड़े, तो वो रनिंग करते हैं एक्चुअली, तो उनको आज बारिश की वजह से रनिंग करने को नहीं मिला ना, तो फिर वो ट्रेडमिल पे भागने के लिए गए हैं, तो उनको छोड़ के अभी मैं जा रहा हूँ बीच पे, देखते वहाँ पे जाके क्या कंडीशन है आज, दिखा जाए आप लोगों को। तो अभी आ चुका हूँ मैं बीच पे, ये देख सकते हो ये कितना सुंदर सा बीच है भाई, बहुत क्राउड है जैसे बारिश बंद होने सब लोग बीच की तरफ भागे, क्योंकि सुबह से इतना बारिश चल रहा था ना, सो उसके वजह से कोई नहीं आ पा रहा था, अभी सब लोग आए। सो चलो हम भी जाते थोड़ा पानी के अंदर। सो गाइस, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे पानी में खेल के, तो खतरनाक बहुत अच्छा लग रहा है ये। मैं कोना मेरा मतलब कभी भी पानी में चला जाओ ना, चाहे वो स्विमिंग पूल हो चाहे वो समुंदर हो, मैं पानी देख के ऐसा एक्साइट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैं अभी पानी में आ गया। सो आप लोग भी डेफिनेटली कर देना, क्योंकि सब लोगों को मोस्टली तो पानी में खेलना पसंद ही है। चलो मैं भी एंजॉय करता हूँ। जीता है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको ताने तू। शूट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत लेट आया ना मैं आज बीच पे, अगर कल बारिश नहीं हुई ना तो कल बहुत ज़्यादा शूट करेंगे एंड आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। सो अभी जितना भी टाइम मैं खेला हूँ ना, तो बहुत मज़ा आया है एंड लेट्स सी मैं जितना दिखा पाया आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। देखो व्यूज देखो, तो फाइनली मैं अभी रूम पे आ चुका हूँ। एक्चुअली ना अचानक से बारिश चालू हो गया एंड वहाँ पे ना इतनी जोरों की तेज हवा चालू हुई ना, तो उससे भी सब लोग भागने लगे थे, तो मैं भी निकल गया वहाँ से। अभी मेरे को मिट्टी मिट्टी हुई है, सो वो भी बात लेंगे एंड उसके बाद फ्रेश होगा। यहाँ पर देख सकते हो पेंटिंग चालू है। सुनावानी तैनु हसदा वेख के जगनु मैं भुल जावानी, दस दे के तांगल तैनु समझावानी। राइट दोस्तों, दिस इज अ डे 3, बट ये अपना सेकंड व्लॉग चालू है, क्योंकि फर्स्ट वाला व्लॉग तो कल खत्म किया था और सेकंड व्लॉग मैंने कल शाम को स्टार्ट किया था ना। सो बस कल तो मैं कुछ ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाया, बट अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये जो हॉस्टल में रुका था ये हॉस्टल से अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ एंड जा रहा हूँ कलिंगवुड साइड में, वहाँ पे मैंने एक होटल बुक किया है, तो चलते वहाँ पर एंड निकलते भी यहाँ पर फटाफट, क्योंकि पैकिंग वगैरह सब हो चुका है, सीधा निकलना है, क्योंकि अभी बारिश बंद हुई है, बारिश कभी भी आ रही है कभी भी जा रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है पे। सो निकलते भी ऐसे फटाफट। सो ऑलराइट गाइस, अभी निकलते ऐसे एंड अभी बजे 11:30, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई आते हैं। या सो अच्छा हॉस्टल था ये, अगर आप लोग भी कभी आ रहे हो ना, सो मतलब इस साइड में, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे रुक सकते हो। नमस्ते। सो ओनली 400 रुपीज़ पर डे पे मैं यहाँ पे रुका था एंड विच इज़ वेरी गुड। अलग अलग लोग मिलते हैं यार, अगर आप लोग सोलो ट्रैवल करते हो ना, तो आप लोगों को बहुत नए नए दोस्त बन जाते हैं, नए नए लोग मिलते हैं। सो एक्चुअली मुझे तो ये चीज़
पसंद है कि नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनसे दोस्ती करना, बट वो भी पहले अच्छे से देख लेना क्योंकि कुछ स्कैम भी चलते रहते हैं, दैट्स व्हाई। तो इस स्कैम में कभी फंस मत जाना, और आप लोगों को कुछ चीज़ें लेनी तो आप लोग यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग भी कर सकते हो। एंड ऐसे सिर्फ और सिर्फ ऐसा 50 मीटर्स पे बीच है, यहाँ से अगर राइट लेंगे ना सो बीच आ जाएगा। एंड अभी मुझे जाना है लेफ्ट, एंड मैं अभी जा रहा हूँ कलिंगुड साइड में। उस साइड में मैंने अभी एक होटल बुक किया, मुझे उस साइड में कोई हॉस्टल मिला नहीं, सब हॉस्टल्स फुल है, जैसे कि यो गो स्टे वगैरह हो गया, अच्छे अच्छे कोई नहीं मिल रहा, ना अच्छे वाला ना नॉर्मल वाला। सो मुझे अभी फाइनली एक होटल बुक करना पड़ा, मैंने सीधा होटल का ही अभी मैप लगाया है, जो कि मुझे अभी यहाँ से 23 किलोमीटर जाना है, एक घंटा बताया है। सो ये है आरंबोल बीच का साइड था, आरंबोल बीच के पास में हम लोग रुके थे। सो बहुत मज़ा तो आया, बट बारिश की वजह से इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, बाहर ज़्यादा निकल नहीं पाए, जितना निकल पाया उतना मज़ा आया। एंड जो हॉस्टल था ना, हॉस्टल के ऊपर जो उन्होंने टेरेस था, तो टेरेस में भी अच्छा खासा बनाया था, वहाँ पे बैठने के लिए सोफ़ा वगैरह अच्छा खासा था। एंड जैसे बारिश चल रही थी ना, बहुत ज़ोरों का विंड भी आ रहा था ना, सो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा था। मैं तो वहीं पर रात पे भी, पूरे रात यहाँ पे लाइट नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि पावर बैकअप नहीं है। सो मैं पूरी रात है ना ऊपर बैठा था, ऊपर ही मोबाइल देख रहा था, बाद में सो गया था ऊपर ही सोफे पे। सो मस्त लग रहा था। सो आप भी आ सकते हो, अच्छा है इस रेट में। मेरे को सिर्फ यहाँ पे ना थोड़ा खाने का प्रॉब्लम हुआ गाइस, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर प्योर वेजिटेरियन हो ना, और आप लोगों को ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं चलता, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। एक्चुअली मुझे मिल गया खाना खाने के लिए, बट है ना ऐसा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे आजू बाजू सब लोग फिश खा रहे, ये वो देख के मन नहीं, मतलब आप लोगों को प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो मिक्स वाला ही मिलेगा। सो इतना ध्यान रखो, अगर आप लोगों को चलता नहीं अपने आजू बाजू में कोई फिश खा रहा हो, नॉन वेज खा रहा हो, सो अगर आप लोगों को वैसा अगर आपका प्रॉब्लम है ना, तो आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि प्योर वेज रेस्टोरेंट कहीं है ही नहीं इधर। मैंने बोर्ड सर्च कर लिया, मेरे साथ में जो एक बंदा था ना वो दिल्ली से था, वो भी अभी अभी निकला कैब करके एयरपोर्ट के लिए, तो और मैं भी अपने इधर निकला हूँ। सो ये है अभी का सीन, तो देख सकते हो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, कितना पानी आ गया है। जो है तेरे नाम नखरे क्यों कर दिया मैनू जचदा नहीं, कितना सवाल कर दिया ना मैं सुनता नहीं, और दस कितनी तारीफ चाहिए तेनू। A few moments later, तो मैंने जो होटल बुक किया था ना उस लोकेशन पे तो आया, बट वहाँ पे वो होटल है ही नहीं, तो एक स्कैम हो गया मेरे साथ ही। बट एक अच्छा हुआ कि मैंने उसका ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कुछ किया नहीं था, पे एट होटल वाला ऑप्शन लिया था, सो उसकी वजह से वो एक अच्छा था कि मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए, अदरवाइज़ तो पैसे वेस्ट हो जाते। अभी मैंने एक दूसरा होटल को कॉल किया है, और अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, उन्होंने मुझे लोकेशन दिया है, एंड उन्होंने अभी मुझे वहाँ का तगड़ा रेट है भाई थोड़ा सा, ठीक है कोई ना, बट वहाँ पे है अभी 3000 पर डे, एंड अभी मैं जहाँ पे रुका था पहले वहाँ पे थे 400 रुपीज़ पर डे, वो तो मतलब शेयरिंग था, और अभी यहाँ पे तो प्रॉपर अपना होटल रूम है विथ स्विमिंग पूल वगैरह सब है। लेट्स सी, देखते हैं, अभी कॉल पे तो बात हुई है और उन्होंने मुझे लोकेशन दिया है पास में, ये 300 मीटर्स पे जाते हैं वहाँ पे। सो गाइस, तो फाइनली रूम फाइनल हो चुका है, यहाँ पे मुझे थोड़ा बार्गन करके 2500 रुपीज़ में रूम पड़ा है। सो कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी आती, एंड यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है अंदर के साइड में। लेट्स सी, इस साइड में है स्विमिंग पूल, एंड हमें जाना है इस तरह से थोड़ा सा आगे। रूम जो ना है, एक्चुअली एक ही रूम अवेलेबल था, एंड वो हमें मिल गया, जैसे मैंने पेमेंट किया उसके बाद और एक बंदा आया था, बट उनको रूम नहीं मिला। सो चलो कोई ना, मेरे को भी कहीं पे मिल नहीं रहा था, पे मिल गया अच्छी बात है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी, एंड इस वाले बिल्डिंग में मुझे मिला है C6। ये है कुछ रूम, ये है हॉल, यहाँ पे कुछ एरिया है, एंड दिस इज द बेडरूम। ओ भाई साहब, जोर से खुल गया। सो ये कुछ इस तरह से बेडरूम है, एंड एसी वगैरह मैं पहले ही
पहले एक बार आया ना रूम देखने को, उसी टाइम एसी वगैरह ऑन करके गया, कुछ लगेज था हाथ में वो रख के गया था। सो जो बचा हुआ था गाड़ी पे वो अभी लेके आया मैं जस्ट। चलो अच्छा है, रूम तो अच्छा मिल गया है। यहाँ पर मेरा गलती से स्लो मोशन ऑन रह गया था, तो चलो इस वाले ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड कर रहा था। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा है, एंड अच्छा लगा तक देख लिया सो डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, चैनल पर नए होते नहीं ज़्यादा सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।